बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुनअलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। एक ऐसा शो जो हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत प्यार से देखते हैं और हमारी कही भी बात पर अमल भी करते हैं। खुशी हुई ये जानकर। हमारा मकसद भी तो यही है जस्ट फॉर किड्स का कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाए, आपके किरदार को और बेटर करें, चाहे डिड यू नो के जरिए हो या फिर अमेजिंग फैक्ट्स के जरिए। हम आपको दुनियावी और दीनी नॉलेज दोनों देते हैं, चाहे वो कुरान की आयत हो या फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की सेइंग्स। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचाए। आज का जो ये वाक़या है वो भी कुछ ऐसे ही वाक़या है। ये वाक़या है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। आइए जानते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आज मैं अपने बच्चों को बताऊँगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। बच्चों मुझे बताइए कि आप लोग सब लोग कुरान पढ़ते हैं, राइट? यस। कोई वाक्या बताइए अपनी जिंदगी में जहां आपने किसी को माफ कर दिया हो, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया हो या अपसेट, नहीं गुस्सा नहीं तो अपसेट किया हो और आपने उसको माफ कर दिया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन अली अजानी है। जब मैं एक स्कूल गैदरिंग में गया था तब मेरे दोस्त ने मेरे पे जूस गिरा दिया था, तब मैंने उसको माफ कर दिया। अच्छा, जूस गिरा दिया, आपको थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, अपसेट हो गए होंगे कपड़े, बट आपने उसको माफ कर दिया। ठीक है दोस्त, वेरी गुड, आई एम इंप्रेस्ड। और कोई? आपका नाम बताइए। मोहम्मद मेहदी भिमानी है मेरा नाम। आपका नाम? मेरा नाम है जैद फिरोज मंजी। और एक बार जब मैं बर्थडे पार्टी में गया था तब मुझे एक लड़के ने मेरे मुंह पे केक लगा दिया था, तब मैंने उसे माफ कर दिया था। अच्छा, तो केक लगा दिया था, बट आपको खुशी हुई थी कि आप अपसेट हुए थे या गुस्सा आया था? थोड़ा अपसेट थे आप, इसने केक लगा दिया, आपको बुरा लगा बट आपने माफ कर दिया, झगड़ा नहीं किया उसके साथ। चलो गुड, आई एम हैप्पी। और कोई? आपका नाम बताइए। मुहसिन अब्बास बदामी। आपके साथ कोई वाक्या हुआ? नहीं। ठीक। मेरा नाम सिवा फातिमा सोराठिया है और मेरे क्लास में एक मेरी फ्रेंड है जो मेरे परमिशन बिना मेरी बुक लेके चले गए और अगले दिन मैं घर पे ढूंढ रही थी और अगले दिन उसने मेरे को बुक दे दी। जब मैंने पूछी तो बोली आई एम सॉरी, तो मैंने उसे माफ कर दी। आपकी फ्रेंड ने आपके बिना पूछे आपकी चीज ली और आपका गुस्सा आया था, लेकिन जब उसने माफी मांगी आपने उसको माफ कर दिया, गुस्सा नहीं किया उस पर। I'm very happy. चलो good. आपका नाम? मेरा नाम आलिया फातिमा अजानी है। मेरा नाम मिर्जा ज़ैनब है। ज़ैनब, आपके साथ कोई वाक्या हुआ? नहीं। चलो, खुशी हुई मुझे ये जानकर कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा आया था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वाक्या हुआ था, बट आपने गुस्सा नहीं किया, अपसेट नहीं हुए बल्कि माफ कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। आई एम श्योर ये वाक्य सुनने के बाद जो मेरे बच्चे गुस्सा करते हैं या अपसेट होते हैं, आई एम श्योर ये वाक्य के बाद वो नहीं होंगे। एक बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो हमारे दूसरे इमाम हैं, एक बार वो बैठे थे तो उनकी जो कनीज थी, एक गरम हॉट सूप का बोल जो था वो गलती से इमाम के ऊपर गिर गया, उसने गिरा दिया। वो बहुत डर गई, उसे लगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी गुस्सा हो जाएंगे या उस पर उसको मैंने उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसको गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, तो बहुत डर गई थी। फिर उस कनीज ने कुरान की आयत पढ़ी जहाँ पर अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है Those who control anger, वो जो अपना गुस्से को जब्त कर ले। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने स्माइल किया, कहा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ ही नहीं, आई एम नॉट एंग्री विथ यू। उसने फौरन उस आयत को आगे पढ़ा, उसने कहा कि एंड दोज हु आर फॉरगिविंग टुवर्ड्स पीपल, जो दूसरे लोगों को माफ़ कर दे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फिर से मुस्कुराए और कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर उसने इस आयत को कम्प्लीट किया, अल्लाह लव्स दोज हु डू गुड, अल्लाह उस शख्स को, उस इंसान को पसंद करता है जो अच्छाई करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फिर से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। क्या आप में से कोई है जो इस कुरान की आयत को पढ़ सकता है? ये वाक्य तो इतना सा ही था, छोटा सा था, लेकिन क्या सीखा वो भी बताइए। और साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं उसे न जाने, आप मेरे लिए कुरान की आयत पढ़िए। सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السهراء والزراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم। Very good हुसैन जाने, आपने बहुत अच्छे से कुरान की आयत हमारे लिए पढ़ी। तो मेरे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि ये स्टोरी से आपने क्या सीखा, आप बताइए। ज़ैनब,
हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उससे हमारे ही नुकसान होता है। जी हाँ, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया छोटे से वाक्य से, वो गुस्सा नहीं हुए, वो गर्म सूप का बोल उन पे गिर गया, वो गुस्सा नहीं हुए। अगर वो चाहते तो गुस्सा कर सकते थे, अरे ये क्या किया, कनीज थे। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो हमसे छोटे होते हैं या गरीब होते हैं, उनसे हम बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, उनको झिड़कते हैं, अरे ये क्या किया, अरे जाओ जाके काम करो। ऐसे नहीं करना है। ये स्टोरी जो ये वाक्य है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भले ही वो कनीज थी, लेकिन मैंने उनसे उस तरह बात नहीं की और मैंने चिल्लाया नहीं है, मैं एंगर नहीं हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस कि इतना गर्म बोल किसी पर करना। अगर मैंने देखा है कि रास्ते पे कोई चले और किसी ने धक्का मार दिया तो लोग बुरा भला बोलने लगते हैं दूसरे को, ऐसा नहीं करना है हमें। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। जैसे कि ज़ैनब ने कहा कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से को जब्त करना चाहिए, वरना हमारा ही बुरा होगा। वेरी गुड। और कोई आप बताइए। हमें दूसरे को माफ़ करना चाहिए। हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जैसे कुरान की आयत में अल्लाह खुश होता है उन लोगों से जो दूसरों को माफ़ करें, जो अच्छा करें, जो गुस्से को जब्त कर लें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को, वो कनीज़ को माफ़ कर दिया था। हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। जैसे कि मुझे बताया किसी ने कि किसी ने आपसे बिन पूछे आपका आपकी बुक ले ली थी, बट आपने उसे माफ़ कर दिया। आपको खुद को अच्छा लगा होगा, इट्स अ गुड जेस्चर। आपको खुद को सुकून मिलता है। झगड़ा करने से आप खुद बेचैन होते हो, आपका ही बुरा होता है। तो माफ़ कर देना इज बेटर देन किसी को गुस्सा करना। वेरी गुड। और कोई आप बताइए। हमें गुस्से में डिसीजन ले लेना चाहिए। वेरी गुड। एक और एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लिए, एक और एक सीख हो सकती है कि कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी का होता है वो। गुस्से में कोई भी लिया हुआ डिसीजन इज अ रॉन्ग डिसीजन। आपको पछतावा होगा बाद में, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान सोचता नहीं है, बहुत हाइपर होता है और कुछ भी डिसीजन ले लेता है, कोई भी फैसला ले लेता है। वो हमें नहीं करना है। गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत मुस्कुरा कर उससे बात किए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एग्जैक्टली जो कुरान की आयत थी उसके हिसाब से उन्होंने अमल किया। ये हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है। हमें जो हुक्म मिला है अल्लाह का, उस पर चलना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, वो औरत जब पढ़ रही थी, अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते तो बोल सकते थे, अरे मुझे कुरान सिखा रही हूँ मैं, तो मुझे तो कुरान पता ही है, मैं तो हमेशा से पढ़ते आए, या आई हैव नॉलेज ऑफ कुरान। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पूरी आयत को सुनी, उसे माफ़ कर दिया और मुस्कुरा कर उसे माफ़ कर दिया और कहा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ ही नहीं और मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो ये एक वाक्य से हमें बहुत सारी सीख मिलती है मेरे बच्चों। एक तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरा हमें कोई भी कनीज हो या गरीब हो उनके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। इट शोज़ योर कैरेक्टर, नॉट देयर्स। तीसरी ये चीज़ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है कुरान में, वो हमें फॉलो करना चाहिए। इट्स गुड फॉर अस, कीप डूइंग गुड, अच्छाई करते रहो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, अच्छाई करते रहो। गुस्सा मत करो, गुस्से को जब्त करो, अल्लाह खुश होता है इस चीज़ से। तो एक छोटे से वाक्य से कितनी सारी सीख आपने हासिल करी। उम्मीद करती हूँ कि आप जब यहाँ से जाओगे तो ये आयत और ये कुरान की आयत और ये वाक्य आपको ज़रूर याद होगा। कभी भी आपको गुस्सा आया तो आपको ये वाक्य याद आएगा कि वो वाक्य मुझे, मैंने जस्ट वो किड्स में सुना था और इसकी सीख मुझे हासिल हुई थी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा किया था और हमको उनके रास्ते पर चलना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बोली भी बात पर अमल ज़रूर करेंगे। ठीक है, और कोई आप बताइए। सना जाने आपने क्या सीखा। अल्लाह लव दोज हु फॉरगिव। अल्लाह लव दोज हु फॉरगिव। वेरी गुड। जैसे कि लास्ट लाइन है कि अल्लाह लव्स दोज हु फॉरगिव, जो अच्छाई करते हैं, जो माफ़ करते हैं, जो गुस्से को जब्त करते हैं, दूसरों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह उनको पसंद करता है। तो हमें भी चाहिए ना कि अल्लाह हमें पसंद करे, हम उनके गुड बुक्स में आए। तो हमें भी वही करना चाहिए जो अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमें करने को कहा है कुरान में। तो देखा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा वाक्य एक बहुत बड़ी शख्सियत का कैसे हमें एक इतनी बड़ी सीख दे सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक्य आपको बेहद पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो जो चीज़ें हमने आपको यहाँ सिखाई है, जैसे कि जनरल नॉलेज हो या एक छोटा सा वाक्य हो, गुड डीड्स हो, अच्छाई हो, आपके किरदार को बेटर बनाना हो, बहुत बाद में जाके अमल करेंगे। बस यही हमारी कोशिश और यही हमारी उम्मीद। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ दीनी और कुछ दुनियावी सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिडियो नो में क्या है खास। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में। नाज़रीन,
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शहरे इल्म हूँ और इमाम अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा। इसी खूबसूरत हदीस के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट की। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। चलिए पहले हम इस्लामिक सवाल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज। बॉयज, आप हमें बताइए कुरानिक आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या मतलब होता है? जी हुसैन अली बताइए। सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और एक ना एक दिन सबको जाना है। जी मौसिन, आप बताना चाहते हैं? जी बताइए। बेशक हम उसी की तरफ से आए हैं और उसकी तरफ ही लौट कर वापस जाएंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, यू बोथ आर राइट। बेशक हम खुदा की तरफ से आए हैं और लौट कर हमें वापस खुदा की तरफ जाना है। श्योरली वी बिलोंग टू हिम एंड वी शैल रिटर्न टू हिम। ओके, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 156 है। और ये हम कब पढ़ते हैं कोई जानता है? जो ट्रेजेडी होती है तब हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे वेरी ऑफन जब पढ़ते हैं, जब हम किसी की, कोई बता सकता है बॉयज में से? जी आप बताइए जैद। जब किसी की डेथ हो। जी, जब किसी की डेथ हो तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब हम किसी की मरने की खबर सुने तो हमें इस आयत को पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है, आप हमें बताइए दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 27th रजब बिफोर हिजरा। आपके ऑप्शंस हैं चेंज ऑफ किबला, फतेह मक्का, मेराज। 27th रजब को क्या हुआ था? फतेह मक्का हुआ था, चेंज किबला चेंज हुआ था, यानी कि किबला बदल गया था हमारा, या फिर मेराज? व्हाट हैपेंड ऑन 27th ऑफ रजब? जी जेबा, आप जानती हैं, बताइए। मेराज। जी मेराज, मेराज में क्या हुआ था? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठकर सातवें आसमान पे गए थे। यस, वेरी गुड जेबा। और 27th रजब को हम ईद मेराज मनाते हैं और ये बहुत ही फजीलत वाला दिन होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बॉयज आपसे है, आप लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं? यस। श्योर? तो आप लोग बता सकते हैं कि कितने सूरे हैं वैसे कुरान में? जी मोहम्मद मेहदी बताइए। 114 सूरे। यस, 114 सूरज आर देयर इन द होली कुरान। सो यू टेल मी, यू पीपल टेल मी, 97th सूरा कौन सा है कुरान मजीद का, आप लोग जानते हैं? जी हुसैन अली बताइए। सूरे कद्र। वेरी गुड माशाल्लाह। 36। जी जैद बताइए। सूरे यासीन। वेरी गुड माशाल्लाह। सूरे यासीन इज द 36th सूरा ऑफ द होली कुरान, जिसे कुरान का दिल भी कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ द कुरान। एंड जो हमारा सवाल था, विच इज़ द 97th सूरा ऑफ द होली कुरान, इट इज़ सूरे कद्र। और इसी सूरे में लैलतुल कद्र का भी जिक्र किया गया है, यानी कि ये जो रात है शब कद्र की, वो हज़ार महीनों की रातों से अफजल है, यानी कि बेहतर है। ओके, चलिए, वेरी गुड बॉयज। अब बढ़ते हैं गर्ल्स आपकी तरफ, आप हमें बताइए दिस फ्रेज कोटेड बाय इमाम अली अलैहिस्सलाम, सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़्क़िदूनी का क्या मतलब होता है? ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था, He used to tell this. तो इसका क्या मतलब होता है? जी ज़ैनब, आप बताना चाहेंगे? Ask me before I die. Yes. Ask me anything before I depart. यानी कि जब तक मैं आप लोगों के दरमियान हूँ, जो मुझसे चाहते हो पूछ लो। जैसे कि हमने हमारे सेगमेंट की शुरुआत किस हदीस से की थी कि इमाम अली अलैहि सलाम क्या है? शहरे इल्म का दरवाज़ा है, गेट है। सो इमाम अली अलैहि सलाम वॉज ऑल नोइंग, और इसीलिए वो चाहते थे कि लोग उनसे पूछें, और इसीलिए वो अक्सर ये कहा करते थे कि मुझसे पूछ लो जब तक कि मैं आपके दरमियान हूँ। आस्क मी एनीथिंग। ओके, चलिए आप लोग ने हमारे इस्लामिक सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। गर्ल्स, आपके लिए हमारा सवाल है, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 10 करोड़? 10 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ हैं? जी जैनब, आपको पता है? 8। 8? हाउ कैन यू टेल मी इट्स 8? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वेरी गुड, इससे हम पता लगाते हैं कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 10 करोड़। आप लोग जानते हैं 10 करोड़ को 100 मिलियन भी कहा जाता है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज टेल मी विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज द सन ऑफ अनदर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज द सन ऑफ अनदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज द सन ऑफ अ वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर। I'm talking about son. Listen to my question. Which Indian Prime Minister was the son of another Prime Minister? Rajiv Gandhi. Yes, Rajiv Gandhi. He was Rajiv Gandhi. He was the Prime Minister of India. He was the 6th Prime Minister
और इनकी जो मदर है, इवन शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी इज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी. एंड उनके जो फादर हैं जवाहरलाल नेहरू, इवन ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, चलिए अब बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ. गर्ल्स, आपसे हमारा अगला सवाल है. आप लोग हमें बताइए, पाकिस्तान हैज़ अ लार्जर पॉपुलेशन देन रशिया, ट्रू और फॉल्स? ये सही है या गलत कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा है? जी ज़ेबा बताइए. फॉल्स. फॉल्स, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है रशिया से. यस. व्हाई डू यू थिंक सो? जी हुसैन अली, आप बताइए. एरिया की वजह से. एरिया की वजह से. So you think Russia has more population than Pakistan? Yes. But one thing you are correct. Russia is the largest country area-wise. जैसे कि सैनली आपने हमें बताया. But अगर हम बात करें population की, तो पाकिस्तान की जो population है वो as compared to Russia ज़्यादा है. तो इसका जो answer है that is true. क्योंकि 2013 के census के मुताबिक जहाँ पर पाकिस्तान की population was 182.1 million, वहीं पर रशिया की पॉपुलेशन थी 143.5 मिलियन. ओके, यस. चलिए अब हमारा सवाल अगला बॉयज से है. बॉयज, आप हमें बताइए, बोथ द नेम्स ऑफ विच इंडियन स्टेट एंड इट्स कैपिटल स्टार्ट विद द लेटर जी? स्टेट का भी और कैपिटल का भी स्टार्टिंग जो है वो लेटर जी है. जी जी, आप बताइए. मोहम्मद मेहदी. गुजरात. यस, गुजरात. एंड कैपिटल क्या है? जी बताइए मोहसिन. गांधीनगर. वेरी गुड. गुजरात इज द स्टेट एंड गांधीनगर इज द कैपिटल. अगर मैं अपना सवाल थोड़ा सा चेंज कर दूं कि विच इंडियन स्टेट एंड इट्स कैपिटल हैज द स्टार्टिंग लेटर एम, तो क्या आंसर होगा इसका? जी बताइए हुसैन अली. मुंबई और महाराष्ट्र. वेरी गुड. विच इज द स्टेट, विच इज द कैपिटल? महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई कैपिटल. वेरी गुड बॉयज. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. गर्ल्स, आपसे हमारा अगला सवाल है. हॉर्सेस आर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स? आपको हमें बताना कि हॉर्सेस क्या है, हर्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है? जी बताइए. हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स. यस. श्योर? यस. हु आर हर्बीवोर्स? कौन से जानवर होते हैं हर्बीवोर्स? हु ईट्स ग्रास. हु ईट ग्रास, प्लांट्स, दे आर हर्बीवोर्स. एंड हु आर कार्निवोर्स? हु ईट फ्लैश मीट. हु ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स. सो हॉर्सेज द हर्बीवर्स. वेरी गुड. और एक और वैरायटी ऑफ स्पीशीज होती है, वो है ओमनीवोर्स. हु आर दे? हु ईट बोथ. ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल व्हिच ईट प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. आप लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं ओमनीवोर का? मैन. वेरी गुड. ह्यूमन बीइंग्स आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके चलिए, नाउ बॉयज आपके लिए हमारा सवाल है. बॉयज, आप हमें बताइए, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे? 24. आलिया, वी हैव 24 आवर्स इन अ डे. वेरी गुड. आपका आंसर इस तरह से सही होता है कि वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, बट हाउ मेनी सेकेंड्स डू वी हैव इन अ डे? जी बताइए. 86,400. यस, वी हैव 86,400 सेकेंड्स. एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. एंड इन अ डे वी हैव 86,400 सेकेंड्स. इन अ ईयर हाउ मेनी डेज डू वी हैव? 365. And when it is a leap year, how many days do we have? 366. Very good, mashallah. बहुत ही सही. अरे आप हमें इंडिया की स्पेलिंग स्पेल करके बता सकते हो? जी बताइए. INDIA. Very good. इंडिया की स्पेलिंग आपने सही बताई है. गर्ल्स, आपके लिए हमारा अगला सवाल ये है. अदर देन इंडिया, द नेम ऑफ विच एशियन कंट्री बिगिंस विद द लेटर्स INDIA एंड एंड्स विद IA? यानी कि इंडिया की जो स्पेलिंग है, हुसैन अली आप जानते हैं? वेरी गुड. जी आप जानती हैं, बताइए. इंडोनेशिया. वेरी गुड ज़ेबा, इट्स इंडोनेशिया. इट इज़ द साउथ ईस्ट कंट्री इन एशिया और इनके जो इनिशियल्स है और एंडिंग है इट्स सेम लाइक इंडिया एंड द कंट्री इज इंडोनेशिया. आप लोग जानते हैं ये कंट्री की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है? इट्स जकार्ता. और ये कंट्री जानी जाती है वॉल्केनोज, बीचेस एंड वन मोर थिंग, जंगल्स, जहाँ पर आप लोगों को देखने मिलते हैं एलिफेंट्स. ओके बॉयज, अब हमारा अगला सवाल आपसे है, हमारी आखिरी सवाल है सेगमेंट का. आप हमें बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ द डिस्क ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश? यानी कि बांग्लादेश जो कंट्री है उसका जो ऑफिशियल फ्लैग है उस पर डिस्क बनी हुई है, यानी कि द राउंड शेप. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ दैट डिस्क. कौन हमें बताएगा?
मोहम्मद मेहदी आप बता सकते हैं जी। जैद बताइए। रेड। रेड। और हुसैन अली आप हमें बता सकते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? ग्रीन। यस, बैकग्राउंड में इट्स ग्रीन एंड जो डिस्क है वो है रेड कलर की। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब दोनों टीम्स ने हमें अच्छे से आंसर किए हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू। यू आर वेलकम। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की और देखते हैं क्या है खास बच्चों के लिए हमारे तीसरे सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे सेगमेंट यानी अमेजिंग फैक्ट्स में। सो आइए नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद किड्स का इस्तकबाल करते हैं। सो किड्स, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। औला तो दबाम। व्हिच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग? व्हिच लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग? फिलहाल आई एम स्पीकिंग पोर्चुगीज। सो क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने अभी आपसे क्या पूछा? यस, मैंने आप लोगों से पूछा ओला तुदोबैम। ओला मींस हेलो एंड तुदोबैम मींस इज एवरीथिंग फाइन। सो क्या आप बता सकते हैं हमें कि आप इसका जवाब कैसे देंगे, इस क्वेश्चन को रिप्लाई कैसे करेंगे, आंसर कैसे देंगे? बताएं हुसैन अली। तुदोबैम। तुदोबैम, व्हाई तुदोबैम? जैसे अभी आपने बताया कि ओला मतलब हेलो एंड तुदोबैम मींस एवरीथिंग इज फाइन, सो इसका आंसर होगा तुदोबैम। राइट, इसका आंसर है तुदोबैम। अगर कोई आपसे पूछता है तुदोबैम तो आप उसे जवाब दोगे तुदोबैम यानी यस एवरीथिंग इज फाइन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लैंग्वेज है पोर्चुगीज, तो क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है? मैथी आप बताएं। ब्राजील। बिल्कुल ठीक, पोर्चुगीज ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्राजील की और ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि ब्राजील को अपना नाम कैसे मिला? हाउ ब्राजील गॉट इट्स नेम? यस, ब्राजील कम्स फ्रॉम अ ट्री नेम कॉल्ड ब्राजील वुड, यानी ब्राजील को अपना नाम एक ट्री से मिला है, एक पेड़ से मिला है जिसका नाम है, आली आप बताएं? ब्राजील वुड। बिल्कुल ठीक, जिसका नाम है ब्राजील वुड। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्राजील को पोर्चुगीज लैंग्वेज में कैसे स्पेल किया जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? बताएं जैनब। ब्रासिल। बिल्कुल ठीक, पोर्चुगीज लैंग्वेज में इसे ब्रासिल कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ब्राजील को इंडिपेंडेंस कौन से साल में मिला था? जानना चाहेंगे आप लोग? यस, पोर्चुगीज ने ब्राजील की सरजमीन को यह 1500 में क्लेम किया था और इन्हें आज़ादी 1822 में मिली। और आपको जानकर हैरत होगी कि साउथ अमेरिका में ब्राजील ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पर पोर्चुगीज में बात की जाती है, यानी जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्चुगीज है। ओके, यस, याद रहेगा आप लोगों को? यस। और अगर हम बात करें ब्राजील की ट्रैफिक की और यहाँ की ड्राइविंग की, तो ब्राजील में लोग राइट हैंड साइड पर ड्राइव करते हैं। सो आप हमें बता सकते हैं कि और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पर राइट हैंड साइड में ड्राइव किया जाता है? आप बताएं हुसैन अली। फिनलैंड। फिनलैंड, राइट। इजिप्ट। इजिप्ट, वेरी गुड। जर्मनी। जर्मनी। कुवैत। कुवैत, राइट। जैनब आप बताना चाहेंगी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। आलिया आपको पता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर राइट हैंड साइड में ड्राइव करते हैं? नो। अच्छा, आप हमें बता सकती हैं हम ज्यारत करने कहां जाते हैं, कौन सी कंट्री में हम जाते हैं ज्यारत करने? ईरान। ईरान, वेरी गुड। और ईरान के अलावा? इराक। इराक। सो ईरान और इराक भी वही कंट्रीज हैं जहां पर हम राइट हैंड साइड पर ड्राइव करते हैं, याद रहेगा आपको? यस। आप बताना चाहेंगी ज़ेबा? अंगोला। अंगोला, बिल्कुल ठीक, अंगोला, फ्रांस, इजिप्ट, फिनलैंड, इन तमाम कंट्रीज के अलावा कोलंबिया, कनाडा, इन जगहों पर भी राइट हैंड साइड पर ड्राइव की जाती है। ओके, यस। और अगर हम बात करें ब्राजील की कैपिटल सिटी की, तो ब्राजील का कैपिटल है ब्रसीलिया। तो आप हमें बताएं कि ब्राजील की और कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जो बहुत फेमस है? जैसे कि हम जानते हैं कि टूरिस्ट रेट ब्राजील में काफ़ी ज़्यादा है, हर साल लाखों लोग ब्राजील को विज़िट करते हैं। सो आप जानते हैं कि वो कौन सी सिटीज़ है जो टूरिस्ट को अपने तरफ खींचती हैं? बताएं ज़ेबा। सेल्वाडोर। सेल्वाडोर, वेरी गुड। जनाब आप बताना चाहेंगी? साओ पोलो। साओ पोलो, साओ पोलो ब्राजील की एक बहुत ही
बड़ी सिटी भी है फेमस सिटी होने के साथ ही साथ. इट इज सेट टू बी द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील. ओके यस. हुसैन आप कुछ बताना चाहते हैं? रियो डी जनेरियो. वेरी गुड. रियो डी जनेरियो, साल्वाडोर, साओ पोलो, इसके अलावा फ्लैटलेजा भी ऐसी सिटीज में से है ब्राजील की जो कि काफी फेमस है और ये हर साल काफी सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ऑलराइट यस. आपको जानकर हैरत होगी कि जो अमेजॉन रिवर है जो कि रिवर नाइल के बाद दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा रिवर है वो भी ब्राजील से होकर ही गुजरता है. और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का 60% हिस्सा जो है वो ब्राजील में पड़ता है. तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी वाइज और प्लांटेशन वाइज और एनवायरमेंट वाइज ब्राजील कितनी रिच कंट्री है. राइट यस. अच्छा किड्स, क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्राज़ील में जो कि इतनी फेमस सिटी है, इतनी बड़ी सिटी है, यहाँ पर तकरीबन कितने एयरपोर्ट्स होंगे? इस कंट्री में कितने एयरपोर्ट्स होंगे, ब्राज़ील में कितने एयरपोर्ट्स हैं बताएं हुसैन अली? 8 to 9. 8 to 9? नो, मच मोर देन 8 to 9, मच मोर. आप अंदाज़ा लगाना चाहेंगी जैनब? 50? नो, द नंबर इज नॉट इन हंड्रेड. यहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद है एयरपोर्ट्स की. सो आई एम श्योर आप लोग जानना चाहते होंगे कि यहाँ कितने एयरपोर्ट्स है. राइट यस. ब्राजील में तकरीबन एज पर द डेटा 2500 एयरपोर्ट्स है. यस, इट्स रियली अमेजिंग कि एक कंट्री में 2500 एयरपोर्ट्स है. राइट यस. क्या आप ये जानते हैं कि ब्राजील में कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा फेमस है, यानी ब्राजीलियंस कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं? आप जानते हैं हुसैन अली? बताएं. फुटबॉल. फुटबॉल, एग्जैक्टली. जो ब्राजीलियंस है, ये जो लोग हैं ब्राजील के, ये फुटबॉल खेलना काफी पसंद करते हैं. और क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कितनी बार फुटबॉल चैंपियनशिप, वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? हाउ मेनी टाइम्स दे हैव वन? इन्होंने फुटबॉल में वर्ल्ड कप अब तक 5 बार जीता है. एंड दैट्स रियली अ अचीवमेंट फॉर देम. राइट यस. सो किड्स, ब्राजील से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर की, ब्राजील की जो खुसूसियत आपके साथ शेयर की, वो आपको याद रहेगी. यस. एंड व्हिच वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ब्राजील और आवर सेगमेंट? ओला टू द बैम. ओला टू द बैम. सो आप अपने फ्रेंड से क्या पूछोगे अगर आपको उन्हें पूछना होगा हाउ आर दे डूइंग, इज एवरीथिंग फाइन, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक, ओला टू द बैम. नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे. स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग चैनल विन. और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, हमारे प्रोग्राम की शान, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर. साथ ही साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर भी रब्ता कायम कर सकते हैं. इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.